Hello my beautiful angels, I am Krishna and welcome to my channel Krishna Roy Malik. Friends, आज का वीडियो है बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो फॉर यू एज वेल एज फॉर मी, क्योंकि आज होने वाला है एक हंगामा और वो हंगामा है बैंकॉक हॉल। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली जो मैं बैंकॉक गई थी और उधर से बहुत सारा मैंने शॉपिंग किया है, तो बहुत सारा जो शॉपिंग किया है और आप सब देखना चाहते हो मेरा शॉपिंग, आप सब कितना पसंद करते हो मेरा हॉल वीडियोस, तो मैंने सोचा ऑफकोर्स हॉल वीडियो तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ वो हॉल वीडियो फॉर बैंकॉक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो? अरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मैंने उधर बहुत सारा स्टोरीज भी डाला है और बैंकॉक का जो लुक बुक और बैंकॉक का जो बहुत अच्छे अच्छे फोटो मैंने खींचा है वो सारा अपलोड किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो, देन दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड गो एंड डू फॉलो मी देयर, लाइक ऑल माई फोटोज, और नीचे कमेंट करना मत भूलना, प्लीज डू कमेंट्स बिलो, आई लव टू सी योर कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल। द फर्स्ट थिंग इज माई मोस्ट फेवरेट इज दिस वन शोल्डर टॉप, ये वाला वन शोल्डर है और इधर जो शोल्डर होगा इधर एक बो होगा एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टॉप। और ये ऑलरेडी मैंने पहन लिया है पटाया में और उसका जो फोटो है ये है एंड दिस लुक सो नाइस, सो सेक्सी एंड सो पार्टी काइंड ऑफ। तो इसका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस है, पता है कितना है? इसका प्राइस ओनली 100 baht, 100 baht मीन्स 220 अराउंड इंडियन रुपीज में होगा, तो 220 का है ये टॉप। आप सोचो कितना अच्छा, कितना फैशनेबल है। द नेक्स्ट टॉप इज दिस वन, ये भी मैंने ऑलरेडी पहना है बैंकॉक में। दिस इज प्योर कॉटन, सो कंफर्टेबल, सो एयरी और बहुत अच्छे से फिट भी होता है। और इसका जो प्राइस है ये भी 100 baht, मतलब 220 अराउंड होगा इंडियन रुपीज में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारे जो ड्रेसेस है और जो प्रोडक्ट्स है मैंने बैंकॉक से ख़रीदा है, उसका करेंसी भाट है, तो भाट को अगर इंडियन रुपीज में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 2.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो जाएगा। क्योंकि मैं आगे बहुत सारा प्रोडक्ट है वो सारे मैं भाट में बोलने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो दोनों टॉप्स है ये दोनों ही मैंने चाटू चौक मार्केट से ख़रीदा है, चाटू चौक नाइट मार्केट, और उधर बहुत सस्ता मिलता है। द नेक्स्ट वन इज दिस ड्रेस, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल स्लीव और इधर आपको एक इलास्टिक जैसा है और इधर ऐसा फ्लोई बाइपार्टेड पार्ट है एंड इसका नीचे का जो है कुछ ऐसा है। और ये मैंने प्लैटिनम मॉल से ख़रीदा था, इसका जो प्राइस है 250 baht। नेक्स्ट जो है दिस टॉप, दिस इज़ अ क्यूट ब्यूटिफुल टॉप और ये मैंने ऑलरेडी पहना है। दिस इज़ ब्यूटिफुल पोलका वाइट डॉट रेड टॉप, बहुत ही क्यूट है और ये मैंने चाटू चौक मार्केट से ख़रीदा है, एक स्टॉल था वहाँ से मैंने ये दोनों ख़रीदा है। दिस इज़ लाइक हाई नेक और हॉल्टर नेक काइंड ऑफ टॉप यू कैन से, इसमें छोटा छोटा मोती है गोल्डन कलर का एंड दिस इज़ अ शीयर टॉप एक्चुअली, तो इसके अंदर टैंक टॉप वगैरह और ब्रालेट अगर कुछ पहन के पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ पिंक कलर। तो पता है इन दोनों का प्राइस क्या है? दोनों मिलके 100 baht था, मतलब 50 baht ईच, सो चीप यार। नेक्स्ट वाला क्वाइट स्टाइलिश है और दिस इज़ द जंप सूट यू कैन से, ये इसका नेक है, देन दिस इज़ द वेस्ट और उसके बाद ये दोनों लेग्स है, पीछे से जिप है सो यू कैन मैनेज फ्रॉम बैक साइड एंड दिस इज द ड्रेस। दिस ब्यूटिफुल स्टाइलिश मरून कलर का है और इसका जो प्राइस है वो है 250 baht। नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज काइंड ऑफ जंप सूट यू कैन से, ये है इसका लेग्स, इधर एक बेल्ट है और दिस इज़ द टॉप। और ये मैंने ख़रीदा है वो प्लैटिनम मॉल से, हमारा होटल जो है बायो के होटल, दैट इज़ द टॉलेस्ट होटल इन बैंकॉक, उसके बीच में जो रास्ता है उधर बहुत सारे स्ट्रीट स्टॉल्स है, स्ट्रीट शॉपिंग करने की जगह है, तो उधर मैंने ये देखा था एंड आई रियली लव दिस वन और इसका जो प्राइस है वो है 200 baht। नेक्स्ट मैंने दो ड्रेसेस ख़रीदा है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ अ पिंक कलर हॉल्टर नेक एंड या ये थोड़ा सा लेस का वर्क है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इसका जो प्राइस है वो है 250 baht।
और एक मैंने ड्रेस खरीदा है फ्रॉम सेम स्टॉल इन प्लैटिनम मॉल और वो है दिस वन. दिस इज सच अ क्यूट ड्रेस. और ये पी बैक साइड जो है इसका बैक साइड कुछ ऐसा है. बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है एंड ये पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा बेबी डॉल जैसा लगता है. बहुत ही क्यूट ड्रेस है ये. आई रियली लाइक दिस वन. और मैंने ये पहना था लास्ट डे इन कराबी टू गो कराबी नाइट मार्केट. नेक्स्ट इज दिस टॉप. दिस इज़ अ हाई नेक बेसिक टॉप और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल एंड कंफर्टेबल मटेरियल है. आप इसके साथ डोंगरी पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो. सो बेसिक जो ये शर्ट है ना बहुत काम का चीज़ होता है. यू कैन मिक्स एंड मैच विथ एनी ऑफ योर ड्रेसेस. तो इसलिए मैंने खरीदा है और इसका जो प्राइस है 200 baht. और ये मैंने कराबी नाइट मार्केट से खरीदा है. नेक्स्ट इज दिस टॉप. ये पेस्टल पिंक कलर का टॉप है एंड ये काफ़ी फैशनेबल दिखता है. एंड इसका जो प्राइस है एक्चुअली 200 baht बोला था. ये कराबी नाइट मार्केट से मैंने ख़रीदा है लेकिन मैंने दो ख़रीदा है एक और. दिस इज़ वन शोल्डर टॉप और या इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ अ लाइट ब्लू कलर ड्रेस और ये दोनों मिला के मैंने 320 में ख़रीदा है, मतलब 160 ईच. और जो नेक्स्ट आइटम है ये है दिस ऑफ शोल्डर टॉप. इधर आपको वेस्ट में थोड़ा वो इलास्टिक है जो आपका फिट होगा इधर. और दिस इज़ ऑफ शोल्डर और इसका जो क्वालिटी है ना ये आप देख सकते हो. ये जो प्रिंट है बटिक प्रिंट एंड इसका जो क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है. आप समर में पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. और इसका जो प्राइस है बाकी सबसे थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी मटेरियल जो है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा, बिल्कुल कॉटन का है. और इसका प्राइस है 300 baht और ये मैंने कराबी नाइट मार्केट से ख़रीदा है. उसके बाद मैंने ये स्ट्राइप पैंट खरीदा है एंड इसका जो प्राइस है 250 baht. इसके साथ एक बेल्ट है एंड दिस इज़ सो कंफर्टेबल. और ये मैंने बैंकॉक में ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव डे मैंने पहना है. अगर मुझे ट्रैवल करना है तो इतना कंफर्टेबल है तो मैंने ये पहना है. ये मैंने काफ़ी टाइम पहना है और ये मैंने चाटूचक मार्केट से ख़रीदा था. और सबसे सस्ता एंड सबसे एक्साइटिंग वाला जो चीज़ है वो है दिस शॉर्ट. ये जो शॉर्ट है आप देख सकते हो थोड़ा सा रिप्ड है और कितना अच्छा दिखता है. जस्ट गेस करो कि इसका प्राइस कितना होगा. इसका प्राइस है ओनली 60 baht, मतलब इंडियन रुपीज़ में 130-140 होगा. एंड दिस वन फिट्स मी सो वेल और ये दिखने में भी कितना अच्छा है ना. अभी बहुत कपड़े का शॉपिंग हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सेसरीज. तो उधर से मैंने कुछ बैग्स ख़रीदा है. तो सबसे पहले मैं इस बैग के बारे में बताऊंगी. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल क्लासी बैग. तो इसका ये बेल्ट भी है और आपको ऐसे भी आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो. और इसका जो प्राइस है 300 baht और ये मैंने प्लैटिनम मॉल से ख़रीदा है. द नेक्स्ट वन इज़ ब्यूटीफुल दिस ब्लैक वन एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. और इसका भी प्राइस है 300 baht. मैंने प्लैटिनम मॉल से ख़रीदा है. मैंने सेम स्टॉल से 3 bags ख़रीदा है और इसका जो बेल्ट है वो इसके अंदर ही है. एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन. ये रेड कलर का बैग है और ये भी 300 baht का है. एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और ये वाला जो बैग है ब्यूटीफुल बो काइंड ऑफ बैग, ये मैंने लास्ट डे कराबी मार्केट से ख़रीदा है एंड इसका प्राइस है 140 baht. नेक्स्ट मैंने शूज़ ख़रीदा है. और एक्चुअली हम जब प्लैटिनम मॉल गए थे ना तो उस टाइम पे जब शूज़ के जो डिपार्टमेंट है, जो फ्लोर है, उधर जब गए थे तब ऑलमोस्ट 8 बज चुका था और प्लैटिनम मॉल 7:30 में क्लोज़ हो जाता है. तो 99% जो स्टॉल्स है सारे क्लोज हो चुके थे. अगर खुला होता तो मैं कुछ और भी शॉपिंग करती. तो मैंने बस दो ही शूज़ ख़रीदा है. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा दिखता है. और दिस काइंड ऑफ शूज़ यू कैन वेयर विथ एनीथिंग, इंडियन एंड वेस्टर्न ऑल्सो. और इसका जो प्राइस है वो है 400 baht. दिस इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम आई बॉट फ्रॉम बैंकॉक. इससे ज़्यादा शायद मैंने प्राइस ही कुछ नहीं ख़रीदा है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस रेड ब्यूटिफुल क्यूट चप्पल. और अब गेस करो इसका प्राइस कितना होगा. इसका प्राइस है ओनली 100 baht.
एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो क्यूट ना. उसके बाद मैंने ये दोनों ग्लासेस खरीदा है. दिस इज सन ग्लास एंड दिस इज नॉर्मल ग्लास. और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत एक्साइटिंग प्राइस है. इसका है 60 बाट ईच, पर दोनों मिला के मैंने 100 में ख़रीदा है. एंड ये वाला मैंने एक्चुअली पटाया से ख़रीदा है. उधर स्ट्रीट में मैंने देखा था 60 ईच करके लिखा हुआ था. तो 60 बाट में आपको इतना अच्छा सनग्लासेस मिल रहा है एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड नेक्स्ट आइटम इज ऑब्वियसली सम मेकअप एंड स्किन केयर. ब्यूटी ब्लॉगर हूँ तो मेकअप और स्किन केयर तो खरीदना ही पड़ेगा, है ना. और तो मैंने, और आप सबको पता है कि शीट मास्क तो आजकल बहुत इन है और सभी यूज़ करते हैं. और बैंकॉक जाऊँगी शीट मास्क नहीं लूँगी ये तो नहीं हो सकता है. तो मैंने बहुत सारा शीट मास्क खरीदा है और ये बहुत ही चीप होता है शीट मास्क बैंकॉक में, क्योंकि इधर तो 200 या 150 रुपये होता है और बैंकॉक में 20 बाट ईच, मतलब 40-50 रुपीज़ अराउंड पड़ेगा आपको. तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस का, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी डिज़ाइंस का जो है मैंने शीट मास्क ख़रीदा है. एंड या आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई ऑल ऑफ देम. उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये ऑडबो का आई शेडो पैलेट. एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सिवाना, ऑडबो, ये जो ब्रांड्स है ये सारा बैंकॉक में बहुत मिलता है आपको और बहुत ही सस्ते में मिलता है और उधर से ही एक्चुअली इंडिया आता है. तो मैंने प्लेटिनम मॉल्स में भी देखा है कि बहुत सारे स्टॉल्स है ऐसे सिवाना प्रोडक्ट्स के, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि मैं खरीदूँगी या नहीं. लेकिन कराबी नाइट मार्केट में मुझे एक स्टॉल मिला है जहाँ पे इतना अच्छा आई शेडो पैलेट मिला. तो मैंने सोचा यार आई शुड बाय दिस. सी हाउ ब्यूटिफुल द पैकेजिंग इट इज़. और इसके अंदर जो शेड्स है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है. ये है शेड्स, आप देखो कितने सारे वैरायटीज़ का शेड्स है. और इसका जो प्राइस है वो और भी एक्साइटिंग है. ये है ओनली 200 बाट का, लेकिन इट इज़ नेगोशिएबल. तो हम लोगों ने ना वो उतना नेगोशिएट नहीं किया. वो जो स्टॉल है उधर से मैंने ये 200 बाट का ये आई शेडो पैलेट लिया. उसके बाद मैंने 3 शीट मास्क ख़रीदा था तो टोटल हुआ था 260. तो उसने, जो दुकानदार है, उसने खुद ही बोला कि आप 250 दे दो. तो हमने ना दे दिया. उसके बाद हम सोच रहे थे यार हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते थे, बगेन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया. तो अगर आप ख़रीदते हो कराबी नाइट मार्केट और कहीं से भी एक्सेप्ट प्लैटिनम मॉल, क्योंकि उधर नेगोशिएट उतना नहीं होता है. अगर होलसेल ख़रीदोगे तो भी तो ही आपको कम मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलता है. तो आपको थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, बर्गेन स्किल आपको बहुत अच्छे से चाहिए तो आप और भी सस्ते में खरीद सकते हो. इतना सारा शॉपिंग करने के बाद मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो बैंकॉक का स्पेशल हो, स्पेशलिटी हो, जो बाहर कहीं पे नहीं मिलता है और बैंकॉक का कुछ सिग्नेचर काइंड ऑफ थिंग हो. तो मैंने नेट में सर्च कर रही थी और सर्च करने के बाद मुझे मिला कि वो बैंकॉक का हैंडमेड सोप होता है जो बहुत अच्छा होता है. तो मैंने सर्च किया और बहुत जगह पे ये हैंडमेड सोप मिल जाएगा आपको. तो मैंने बहुत सारा ख़रीद लिया है, मैं ये गिफ्ट भी करने वाली हूँ. और ये जो सोप है ना, ये आप देखो, ये दिखने में इतना अच्छा होता है. ये है मैंगो शेप का और सबसे अच्छा है इसका स्मेल. ओ माय गॉड, बिल्कुल मैंगो की तरह स्मेल है. और अगर आप ये वॉशरूम पे रखोगे आपका वॉशरूम पूरा अच्छा सा स्मेल से भरा हुआ रहेगा. प्लस इसके जो नीचे है ना, नीचे आपको वो लूफा भी, छोटा सा लूफा भी मिलेगा. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग स्पेशल. और आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये वाला डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा मुझे, ये फ्लावर का डिज़ाइन. एंड यहाँ सो ब्यूटिफुल. तो ऐसे मैंने 5 और 6 खरीद लिया है गिफ्ट करने के लिए और मेरे पास भी मैं एक रखूँगी. तो यहाँ दे आर सो ब्यूटिफुल एंड इसका जो स्मेल है इतना अच्छा है कि क्या बोलूँ. और इसका जो प्राइस है, एक एक का 40 बात है और हमने एक्चुअली 200 में 6 लिया है. एक्चुअली 200 में 5 दे रहे थे लेकिन हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, थोड़ा बर्गेनिंग किया, उसके बाद 200 में 6 मिला है. और दिस इज़ द चीपेस्ट, क्योंकि इसके बाद हम, मैंने जहाँ पे भी गया 50 बाट 60 बाट, और एयरपोर्ट में तो बहुत ही महंगा है, 80-90 बाट सेम चीज़ आपको मिलता है. तो या दिस इज़ अ गुड डील वी गॉट. और उसके बाद हमने कुछ कैंडीज़ ख़रीदा है बैंकॉक से, क्योंकि कैंडीज़ उधर का कैंडीज़ बहुत स्पेशल होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है. वो हमारे फ्रेंड्स और ऑफिस में बांटने के लिए, क्योंकि सब तो पूछेंगे यार बैंकॉक से हमारे लिए क्या लाए हो. तो इसलिए हमने ये जो 3 डिफरेंट टाइप का कैंडी है, दिस इज़
pandan candy, this is jackfruit and this is passion. Pandan और passion fruit जो है ये Bangkok का है, तो थोड़ा सा different taste होगा, तो इसलिए ये तीन मैंने ख़रीदा है. और ये तीन trophies का जो पैकेट है वो तीनों मिला के 100 bucks. एंड ये भी ट्रॉफी है, ये एक डिफरेंट हमने शॉप से ख़रीदा है, तो पैकेजिंग डिफरेंट है. और दिस इज़ मैंगो फ्लेवर का जो है जो ट्रॉफी, एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. आई होप यू कैन सी कि ये जो चिप्स है, दिस इज़ बनाना चिप्स, लेकिन हम बेंगलोर में और इंडिया में जैसे बनाना चिप्स मिलता है वैसा वाला नहीं है, ये कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ है, तो इसलिए हमने ये ख़रीदा है. अभी तक हमने कुछ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया है. दोनों मिला के है 100 baht का, और ये दोनों हमने कराबी नाइट मार्केट से ख़रीदा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए तो कुछ ख़रीदना था, तो मैंने ये लाइट ख़रीदा है. एक्चुअली ये जो लाइट है ये फोल्डेड है, लेकिन इसको ओपन करने के बाद ये मतलब पूरा ये राउंड शेप का जो है ऐसा वाला लाइट होता है, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. ये लाइट का शॉप है बहुत जगह पे, और बहुत ही डिफरेंट कलर का, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का आपको लाइट्स मिलता है, एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल. तो पहले हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि यार इतना सारा सामान लेके आना पड़ेगा तो शायद ये टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन आई वॉज़ लाइक नहीं, मुझे खरीदना है. क्योंकि अगर मैं YouTube बैकग्राउंड पीछे और कहीं पे भी अगर मैं लगाऊंगी तो बहुत अच्छा दिखेगा. शायद ये बेंगलोर में भी मिलता है, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा है. सो ये जो प्राइस है 100 baht का है, एंड या दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट माई हॉल फ्रॉम बैंकॉक. ये बहुत ही वर्सेटाइल काइंड ऑफ हॉल था, है कि नहीं? तो आई होप आपको अच्छा लगा है. अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट लाइक बटन. यार ये इस वीडियो को तो लाइक बनता है, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, एंड कीप स्माइलिंग.